हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा चौधरी और स्टाइल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको हमारे चेहरे पर जो तिल होते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। उसके बारे में बहुत ही इफेक्टिव पैक मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये हमारे चेहरे पर जो तिल हैं ये किस वजह से होते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा पूरा शरीर सेल्स से बना हुआ है। सेल्स मतलब कोशिकाएं, इसी में ही मिलेनोसाइट सेल्स होते हैं जो मिलेनिन पिगमेंट को रिलीज करते हैं। मिलेनिन पिगमेंट एक नेचुरल कलर देता है हमारी स्किन को। अगर मिलेनिन पिगमेंट हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा है तो हमारा जो कलर है वो डार्कर है, और अगर मिलेनिन पिगमेंट कम है हमारी बॉडी के अंदर तो फिर हमारा स्किन का जो कलर है वो फेयर होगा। तो वैसे तो मिलेनोसाइट्स पूरे हमारी बॉडी में फैले होते हैं जो मिलेनिन पिगमेंट को रिलीज करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ये मिलेनोसाइट सेल्स जो है ये एक ही जगह पर मिलेनिन पिगमेंट को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर वो तिल ले लेता है। हम तिल को मोल भी बोलते हैं, कई बार ये ब्लैक कलर का भी होता है, कई बार ये ब्राउन कलर का भी होता है। तो चलिए ये होता किस वजह से है। अक्सर जो हम ज्यादातर धूप में रहते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन पे ये तिल की प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार क्या होता है ये मेन जो इसका कॉज होता है वो जेनेटिक होता है। अगर हमारे पेरेंट्स को या हमारे दादा दादी को, उन लोगों को तिल की प्रॉब्लम है तो हमें तिल की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। ज्यादातर टीनेज में हमें जो है तिल की प्रॉब्लम रहती है, जब हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी हमें तिल की प्रॉब्लम रहती है जब हमारा हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम किस तरीके से सही करेंगे आज मैं आपको बता रही, बहुत ही नेचुरल पैक बताने जा रही हूँ जिसको हम यूज करेंगे तो पहले तो वो हमारे तिल के कलर को हल्का करेगा, फिर धीरे धीरे करते हुए वो उसको ठीक करेगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम सबसे पहले ये एलोवेरा लीफ लेंगे। ये नेचुरल एलोवेरा ले रही हूँ मैं, आप ये दूसरा वाला एलोवेरा भी ले सकते हैं। इसको जो एलोवेरा लीफ हमने लिया है इसको हम पहले साइड से कट करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर कांटे होते हैं, इसको हम हटा देंगे। उसके बाद हम इसमें से नेचुरल एलोवेरा जेल निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये नेचुरल एलोवेरा जेल बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारे स्किन को नरिश करने में, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई और विटामिन सी होता है जो हमारे स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। ये इस तरीके से हम इसके अंदर से एलोवेरा लीफ के अंदर से एलोवेरा जेल को निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो मिक्स करेंगे वो हम ये लेंगे कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल के अंदर फ्रेंड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो चेहरे के ऊपर जो तिल वगैरह के निशान होते हैं उनको हटाने में या उनको हल्का करने में बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये कैस्टर ऑयल भी हम सिर्फ आधा चम्मच लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इतनी हम क्वांटिटी लेंगे कैस्टर ऑयल की। उसके बाद हम जो लास्ट इंग्रेडिएंट लेंगे वो ये एप्पल साइडर विनेगर लेंगे। इसकी फ्रेंड्स बहुत कम क्वांटिटी हम डालेंगे, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमारे स्किन के पर जो तिल वगैरह के निशान वगैरह होते हैं उसको ये सही करता है। इस तरीके से हम पहले इसको ढक्कन में लेंगे और बहुत कम क्वांटिटी हम इसकी, मुश्किल से एक या दो ड्रॉप से ज़्यादा हमें इसको नहीं डालना है, बस इतनी क्वांटिटी हम एप्पल साइडर विनेगर की इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से, और इन तीनों को आपस में हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा पैक तैयार हो गया। इसको हम अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम इसको अपने चेहरे पर लगाएंगे। इसको 10 से 15 मिनट जहाँ जहाँ पर भी हमारे तिल है वहाँ वहाँ पर हम अपनी स्किन पे इसको बहुत अच्छी तरीके से लगा देंगे। 10-15 मिनट बाद फिर हम प्लेन वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लेंगे। इसको हम ऑल्टरनेट डेज पे लगाएंगे, एक एक दिन छोड़ के हम इसे हफ्ते में 3 बार यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको ठीक होने में, तिल को ठीक होने में ये टाइम लेगा। पहले जो तिल का कलर है उसको हल्का करेगा, फिर ये धीरे धीरे करके ठीक होगा। तो इसमें लगभग 2 से 3 महीने का समय भी लग सकता है। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और रॉयल स्टाइल चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करिएगा। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।